हेलो दोस्तों, राम राम। स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम बनाने वाले हैं मिक्स दाल पराठा। मैंने ये दाल ली है और आटा अरहर की दाल है और आटा ले लिया है। बिना देरी करे हुए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने अरहर की दाल ली है, आटा लिया है। इसमें मैंने धनिया और हरी मिर्च काट ली थी। ये दोनों साथ एक ही साथ में ऐड कर देते हैं। आप जो है नमक डालता हूँ, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हल्की सी हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे, बिल्कुल ना के बराबर, और हल्का सा गरम मसाला और हल्की सी हींग और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। चलिए बिना पानी के गूंथते हैं। हमें पानी ऐड नहीं डालना है इसमें, क्योंकि हमारी दाल ही पतली है। दाल ही पतली होती है तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरीका से देखिए, आटा मेरा गूंथकर रेडी हो गया है। बिल्कुल ठीक ठाक रहा है, ना मैंने ज़्यादा टाइट रखा रहा है, ना ज़्यादा मेरा टाइट है, बिल्कुल मीडियम साइज है। तो चलिए अब इसे 2 मिनट के लिए साइड कर देते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, मैंने तवा गैस पर रख दिया है। आटे का रोल बना लेंगे, लोई बना लेंगे। लोई बना ली मैंने, मैं इसे बेलना चालू करता हूँ। मैंने बेलना स्टार्ट कर दिया है। ये तवा पर डाल दिया है। चलिए मीडियम गैस पर सेकेंगे हम, क्योंकि दाल का पराठा है तो हमें फुल गैस पर नहीं सेकना है, क्योंकि कच्चा पर रहेगा। मीडियम पे क्या है, बिल्कुल अच्छे से सेक कर रेडी होता है और बहुत ही ना कहीं से कोई जलता है। चलिए अब इसे पलट लेते हैं। देखिए मैंने मीडियम गैस पे रखा था, तो अब भी मेरा थोड़ा बैसा रहा है, तो मैं इस पर अब हम इसे मैं 1 चम्मच ऑयल डालूँगा। मैं इसी तरीका से सारों को सेक लूँगा। बचे हुए दाल का कितना आसानी से नाश्ता बन गया और घर पे सभी को बहुत पसंद आता है। तो आप भी अपने घर पर ऐसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़।